अलादीन के बाद और मेरे दौड़े देखे। है ना, दौड़े थे ना, हम दौड़े नहीं। तीली पहलवान, बोला ना तीली पहलवान। सूरज को बादलों ने बिल्कुल घेर लिया है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल सूरज नजर नहीं आ रहा और हर तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं। फट गई सारी बाइक के साथ, पता नहीं कहाँ पे अटकी है और फट गई है, और बेचारी सलवार भी जो है। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हमारी दुआ होती कि हमारे देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहते आबाद रहे। तो अभी इस वक्त मैं अपना दुपट्टा वाश कर रही हूँ के साथ जो है, तो ये वाश करने वाला था, परसों मशीन लगाई थी, कपड़े वाश किए थे लेकिन ये रह गया था, तो अभी मैंने ये कपड़े पहने हैं तो मैंने ये दुपट्टा वाश करती हूँ। और दूसरी बात, आज हम गए हुए थे पौधों पे, हमने अर्शद के कपड़े पहनाए हुए हैं, ये देखें, ये नीम का दरख्त है, तो ये जो हमारी बकरी और बकरा है ना वो इसको खा रहे हैं, तो इसके हमने जो है ना सेफ्टी के लिए इनको ये कमीज पहना दी है, और एक जो यहाँ पर है इसको हमने सलवार पहना दी है। और दूसरी बात, आज हम मैं और अवैस गए हुए थे गाँव, अम्मी की कुछ तबीयत खराब थी, उनका भी पता लेना था, और दूसरा जो है ना मेरी बड़ी सिस्टर, उनकी खाला जो है ना, मेरे बहनोई की खाला, वो मतलब फौत हो गई थी, तो उधर भी गए थे अफसोस करने के लिए। तो वापसी पे नया और वैस आ रहे थे, तो आते हुए वहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो आगे से हमारी जो शीला है ना वो भाग कर आई और बाइक के आगे आकर वो खड़ी हो गई, तो वैस ने उसको बचाने की कोशिश की, तो मैं और अवैस जो है ना बाइक समेत ही नाले में चले गए। मैं अवैस तो जो है वो थोड़ा मतलब खड़ा हो गया, बच गया, उसके पाँव लग गए ज़मीन पर, लेकिन मेरे नहीं लगे, तो मैं दो तीन दफ़ा मैंने ये इस तरह ऐसे ऐसे घूम कर गिरी, लेकिन ये जब मैं गिर गया था ना, मैं गिर के खड़ा हो गया, फिर मम्मा जो है ना, मम्मा को मैं देख रहा था, फिर मम्मा ना तीन चार खड़बाजियां लेकर गिरी, मैंने कहा मम्मा ये क्या, बाजियां लिए उसकी मम्मा ने, कहा था ओए अम्मी बच गई है। मतलब कि उसको खतरा था कि अम्मी को चोट ना लग गई हो कमर में, क्योंकि पहले की मसला है, ऊपर से चोट लग गई तो और ज्यादा मसला हो जाएगा। और ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गई, मुझे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन मुझे इतना अफसोस हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि मेरा न्यू सूट था, दो कदर इकलौते सूट थे मेरे जो अच्छे वाले पहनने के लिए कहीं आने जाने के लिए, उनमें से एक का बेचारे का राम राम सत्य हो गया। ये देखो कमीज इस तरह से फट गई सारी, बाइक के साथ पता नहीं कहाँ पे अटकी है और फट गई है, और बेचारी सलवार भी जो है उसके भी, ये देखे सारे कपड़े फट गए, और ये मिट्टी लगी हुई है, ये जो मैं खाले में गिरी हूँ ना, तो पानी थोड़ा, ये था कि पानी नहीं था, बस थोड़ा सा गीला था, तो ये सारे कपड़े मेरे गंदे हो गए। बाकी ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा लिया, तो बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मैं इनसे पहले कह रही थी कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इतने में ही रख लिया, अगर कहीं मेरी पहले वाली हड्डी पे कोई दोबारा मसला हो जाता तो फिर बहुत ज्यादा मसला हो जाता था, फिर आपको गाड़ियां कारें बस से सब कुछ कराना पड़ा था। पापा कह रहा था, पापा से मैंने ये कहा, पापा कहता हमारे पास खोती रेडी आबद बहेगी उस पे हम जाएंगे। तो भी इस वक्त मेरे हाथ में आप पुलाड़ी देख रहे हैं, और इस हाथ में आप मेरे लिए जो है वो कीड़ा देख रहे हैं, तो मैं इसके साथ जो है ना लकड़ियाँ वो काटने लगी हूँ, क्योंकि आज चार दिन हो गए हैं, ये लकड़ियाँ काफी सारी थी जो काट कर लाए, और ये दोनों बाप बेटा काटते रहे, तो आज मैंने कहा है कि आज मैं इनकी भी थोड़ी सी हेल्प कर दूं, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ, थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए मुझे भी, तो अभी मैं भी लकड़ियाँ जो है ना काट देती हूँ अपने हिस्से की, इनका काम तो खत्म हो गया।
ये जगह जो है ना ये हमने साफ करनी है, ये सारी लकड़ियाँ उठा कर यहाँ से हमने उस साइड पर रखी है चूल्हे और तंदूरी के पास, क्योंकि ये जगह खाली करके हमने बकरियों के लिए जो छोटा सा कमरा बनाना है ना वो यहाँ पर बनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो यहाँ पर चूहे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं, यहीं से निकल कर वो अंदर चले जाते हैं और नुकसान करते हैं। अभी देखते हैं, अभी दिन काफ़ी खड़ा धूप है तो शायद अभी तो नहीं, शाम को या कल फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें उठा कर हम इस साइड से ले जाएंगे इंशाल्लाह। और इनके हमारी जो है ना कमरे के लिए वो सारी आ चुकी हैं। तो इसके अलावा हमने एक बड़ा रेड़ा जो है ना जो रोड़े होते हैं हाफ इंच होती है, जिस तरह जैसे कि जिस तरह से ना ये हाफ है ना इस तरह से वो हाफ होती है, तो टूटी हुई ठीक नहीं है लेकिन वो हाफ होते हैं रोड़े, तो वो हमने मंगवाए हैं जो हमने मुर्गियों के लिए या कबूतरों के लिए या बकरियों के लिए जो हमने जगह बनानी खुडे वगैरह बनाने हैं ना उनके लिए। तो इंशाल्लाह आज तो नहीं आई, आज तो नहीं आए लेकिन कह रहे हैं कि कल लाजमी आ जाएंगे अगर बारिश ना आई तो, क्योंकि मौसम जो है ना वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा धूप निकल आती है तो कभी जो बादल आ जाते हैं, ये देखें जिस तरह से ये बादल आए हैं इस वक्त, ऐसे ठंडा मौसम बन गया है तो एकदम से धूप निकलती है बहुत ज़्यादा और गर्मी की शिद्दत दो तीन दिन, अभी मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और बादल बने हुए हैं, तो इस मौसम का फ़ायदा उठाते हैं और बकरी बकरे के लिए हम जो थोड़े से ना पट्टे जो हैं वो लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी दांतरी जो है वो लटकाई हुई है, तो इसके साथ अभी चलते हैं और थोड़ा सा घास फूस जो है लेकर आते हैं घास फूस। घास ये जो बकरियां है ना वो बड़े शौक से खाती हैं, तो अभी ये हम थोड़ा सा काट लेते हैं उनके लिए। इतना सा घास मैंने काट लिया है तो इतना उनके लिए काफी है, तो ये बड़ा नखरे से खाते हैं। सूरज को बादलों ने बिल्कुल घेर लिया है, देख सकते हैं आप बिल्कुल सूरज नजर नहीं आ रहा और हर तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं, हवा चल रही है और मौसम बड़ा एंजॉय करने वाला है, बड़ा जबरदस्त मौसम है। माशाल्लाह से देखिए कितने शौक से खा रही है बकरी, और जो हमारा बकरा है ना वो बड़ा नखरीला है, उसने अभी इसको मुंह भी नहीं लगाया। अब इसके लिए हमने नीम के पत्ते दूध के पत्ते इस तरह के पत्ते लेकर आने और ये इसने खाने हैं, वरना ये घास नहीं खाता और बकरी जो है वो खा रही है माशाल्लाह। तो जी उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, मिलते हैं लास्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह के बाद और मेरे दौड़े देखें है ना, दौड़े जान हम दौड़े नहीं तीली पहलवान तीली पहलवान ड्रा ना।